हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सोया चंक्स की करी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल मैंने लिया है सोया चंक्स, और दो तीन टमाटर हैं जिन्हें कि मैंने मिक्सी में जिनकी प्यूरी बना ली है, और ये है एक बड़ा प्याज जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, और एक हरी मिर्च जिसे कि मैंने कट कर लिया है। ये है मलाई, फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसकी जगह पे कर्ड भी यूज़ ले सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे नमक, और साथ ही में हम ले लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये है हींग जो कि मैं लूँगी 1/2 टीस्पून, और ये है लहसुन जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया, और साथ ही में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और सबसे पहले मैंने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दिया, उसमें पानी डाल दिया जिसे कि हम बॉयल होने देंगे, और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम उसमें सोया चंक्स डाल देंगे और सोया चंक्स को बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए सोया चंक्स जो हैं हमारे बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए हमारे सोया चंक्स जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। इनका जो साइज़ है वो फूल करके बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं ये कितना फूल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस ऑफ करके इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर की सहायता से। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में सोया चंक्स को स्ट्रेन कर लिया, इनका पानी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हमारा ऑयल डाल देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है, और जब तक ऑयल जो है वो गर्म होता है हम क्या करेंगे मसालों का पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी ले ली है, और उसमें हम हमारे सभी मसाले डाल देंगे, जैसे कि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हींग 1/2 टीस्पून के करीब ही हम हींग डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन मसालों में जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे इनका। ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। इसे हमें मिक्स कर लेना है। मसालों का पेस्ट बनाने से क्या होता है कि अरोमा अच्छा आता है। तो अब जो है तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और जब जीरा तड़क जाएगा तब हम क्या करेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ये देखिए मैंने लहसुन डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम जो है वो सिम कर देंगे और लहसुन को पकने देंगे, ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए। और जब लहसुन पक जाएगा तब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे, अनियन पेस्ट डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए अब हम इसे चला लेते हैं और इसे पकने देते हैं। अब अनियन का जो पेस्ट है वो थोड़ा पक चुका है, तो इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। अब ये सब भून चुका है तो इस पे मैं डाल रही हूँ मसालों का पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था, इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तेल छूटने तक हम मसालों को पका लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तेल जो है अब वो छूट चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो टोमेटो की प्यूरी थी वो डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर की प्यूरी को भी तेल छूटने तक हम पका लेंगे। ये देखिए चलाते हुए हमें पका लेना है, और इसके तेल छूटने तक हमें पकाना है। तो तेल हमारा छूट चुका है, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे हमारे सोया चंक्स और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर जो है हम इसे जो सोया चंक्स है इन्हें मसालों में ही पकने देंगे, ताकि मसालों में ये कोट हो जाए अच्छे से, इसमें मसाले लग जाए। तो अब देखिए ये अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी, ये पानी वही है जिसमें कि मैंने सोया चंक्स को बॉईल किया था, वो वाला पानी थोड़ा हम डाल देंगे। आपको जितना भी रस चाहिए आप उतना पानी डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। तो अब हमने इसमें डाला है पानी, तो थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे, और ये जो है अब पक चुका है। तो इस स्टेज पर हम हमारा जो फ्रेश क्रीम थी वो डाल देंगे इसमें, और इसे भी अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे मलाई के जगह पे कर्ड भी यूज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मलाई का यूज़ लिया ताकि इसमें माइल्ड टेस्ट आए, माइल्ड टच आ जाए इसमें थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे मलाई मिला दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ी देर हम इसको मलाई के साथ भी पकने देंगे। और अब जो है हमारा जो सोया चंक्स की करी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारी सोया चंक्स की जो करी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।